आज की वीडियो में हम आपके साथ दीपिका कक्कर के बेबी रूहान के बारे में एक वीडियो शेयर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी लोगों के पास जानते हैं कि रूहान को दीपिका कक्कर ने आज से तकरीबन 4 महीने पहले जन्म दिया था। आलिया रूहान का नाम दीपिका कक्कर ने प्यारा सा और ख़ूबसूरत सा रखा था। जी हाँ गाइस, और रूहान नाम रख दिया। हम बात करें फ़ैन्स की, तो जी हाँ गाइस, आपको बताते चलें दीपिका कक्कर के फ़ैन्स में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उनके हेटर्स हैं और वो उस बच्चे को खूब ट्रॉल कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, दीपिका कक्कर के बेबी को, रूहान के फेस लुक को बहुत ही ट्रॉल किया जा रहा है और सब कहते हैं कि वो बच्चा गोरिल्ला की तरह नज़र आता है। जी हाँ गाइस, आप लोगों का ज़मीर इतना मर गया है कि आप किसी के बच्चे को कुछ भी बोल रहे हैं। जी हाँ गाइस, आपको बता दें कि गोरिल्ला एक ऐसा जानवर है जिसको बहुत ही नापसंद किया जाता है। किसी की मासूम और नन्ही जान को ऐसा बोलना बहुत ही गलत बात है और एक ये बहुत ही गलत आदत है। इसी पे दीपिका कक्कर का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने यही बोला है कि मैं एक माँ हूँ और एक माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जब आप उसके बच्चे को इतने नापसंद होने वाले जानवर से मिलाते हैं। जी हाँ गाइस, रूहान के हेटर्स उनको इस तरीके से ट्रॉल कर रहे हैं और एक छोटे बच्चे को ट्रॉल करना बहुत ही गलत बात है। अगर आपका ज़मीर इतना मर गया है तो आप अपने इर्द गिर्द की आवाम को देखें, वो कुछ नहीं बोल रहे तो आप होते कौन हैं बोलने वाले। दीपिका कक्कर के कुछ फ़ैन्स हैं जो उनको बहुत ही सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ पर, और कुछ हेटर्स हैं जो कि उनको मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आप इन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर मैंने कुछ भी गलत बोला तो इस वीडियो को डिसलाइक करके जाएँ, और अगर सही बोला तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।